हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कीटों का आर्थिक महत्व बताएंगे, अर्थात इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कीटों के आर्थिक महत्व को दो भागों में बांटा गया है, पहला लाभदायक कीट और दूसरा हानिकारक कीट। तो पहले लाभदायक कीटों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कीटों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको बता देते हैं कि कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। यानी जो कीट वर्ग होता है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, मतलब कीट संसार में पाए जाने वाले जंतु समूहों में से सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ कीट मनुष्य जाति के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो पहले लाभदायक कीटों को समझ लेते हैं। तो कुछ कीट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अत्यधिक उपयोगी होते हैं, जैसे मधुमक्खी जिससे हमें शहद और मोम प्राप्त होता है, दूसरा रेशम कीट जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, और तीसरा लाख का कीट जिससे हमें लाख मिलती है। तो इन तीनों में से पहले मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी के बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी जानकारी और साथ ही साथ मधुमक्खी का आर्थिक महत्व समझाएंगे। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसी में से एक ऑप्शन होगा एपीकल्चर, तो एपीकल्चर को टिक करेंगे। या फिर इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछते हैं कि एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताएंगे मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खी को अंग्रेजी में हनी बी कहा जाता है। तो हनी बी या मधुमक्खियाँ हमें मधु अथवा शहद तथा मोम प्रदान करती हैं। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। आपको बता दें कि एक किलोग्राम शहद को इकट्ठा करने के लिए एक मक्खी को लगभग 10 लाख बार मकरंद एकत्रित करना होता है। मधु या शहद पुष्पों के आधार पर उपस्थित मकरंद ग्रंथियों के स्राव से बनाया जाता है। यानी जो पुष्प होते हैं उनसे मधु या शहद, ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हनी बी होती हैं, ये प्राप्त करती हैं। और जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो अपने विशेषीकृत मुखांगों द्वारा, यानी उनकी जो विशेष आकृति बनी होती है मुखांगों की, उसके द्वारा पुष्प के मकरंद को चूस लेती हैं और चूसकर अपने छतों तक लाती हैं, और छत्ते के कोसों में भरने से पहले ये अपनी लार में उपस्थित एंजाइम, इनके लार में एंजाइम पाया जाता है, तो उस जो मकरंद को लाई हैं और प्लस एंजाइम के द्वारा मकरंद की ग्लूकोज शर्करा को फ्रक्टोज में बदल देती हैं और मकरंद शहद का रूप ले लेता है। यानी मकरंद में एंजाइम मिल जाता है जिससे ग्लूकोज शर्करा को फ्रक्टोज में बदला जाता है। तो इस प्रकार से मकरंद शहद का रूप ले लेता है और शहद अति उपयोगी होता है, तथा आयुर्वेदिक दवाइयों का अधिकतर सेवन शहद के साथ में ही किया जाता है। तो मधुमक्खियों से शहद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ मधुमक्खियों के उदर के आधार तल पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों से पतली परतों के रूप में मोम बनता है। यानी जो ग्रंथियां होती हैं उदर में, इनसे पतली परतों के रूप में मोम बनता है, और इसी मोम से इनका छत्ता बना होता है। जो ये मोम होता है, इसी मोम से इनका छत्ता बन जाता है। तो अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन मोम से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से दीपावली में जो हम लोग मोमबत्ती चलाते हैं वो भी मोम से ही बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि शहद की मक्खी एक सामाजिक कीट होती है, या मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होती है, और इसकी कॉलोनी में या इसके छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, रानी मक्खी, नर मक्खियां या ड्रोन्स तथा श्रमिक मक्खियां। ये तीन प्रकार की होती हैं, रानी मक्खी, नर मक्खी या ड्रोन्स इनको कहा जाता है, और श्रमिक मक्खियाँ। चलिए संक्षिप्त रूप से इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। रानी मक्खी या क्वीन, ये शहद की मक्खी के छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। यानी जो शहद का छत्ता होता है उसमें केवल एक रानी मक्खी होती है, और इसका शरीर श्रमिक मक्खी से लगभग तीन गुना बड़ा होता है। जो श्रमिक मक्खी होती है उससे इसका शरीर, रानी मक्खी का शरीर, तीन गुना बड़ा और तीन गुना भारी होता है। यह लगभग
5 वर्ष तक जीवित रहती है। जो रानी मक्खी होती है लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है और प्रतिदिन लगभग 2000 अंडे देती है। लगभग में प्रतिदिन 2000 अंडे रानी मक्खी देती है। आपको बता दें कि एक रानी मक्खी अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है, यानी पूरे जीवन काल में लगभग में 15 लाख अंडे देती है। अब दूसरी है नर मक्खियाँ या ड्रोन्स, इनको ड्रोन्स भी कहा जाता है। तो एक छत्ते में लगभग 100 नर मक्खियाँ होती हैं। जो एक छत्ता होता है उसमें लगभग में 100 नर मक्खियाँ पाई जाती हैं, नर होती हैं ये, और इनमें लार व मोम ग्रंथियाँ तथा डंक नहीं पाए जाते हैं। रानी मक्खी के समान ये भी पोषण के लिए श्रमिक मक्खियों पर निर्भर रहती हैं, यानी कोई पोषण के लिए कार्य नहीं करती हैं, केवल श्रमिक मक्खियों पर ही निर्भर रहती हैं। इनका एकमात्र कार्य होता है, वह कार्य है रानी मक्खी का निषेचन करना। यानी ये जो 100 नर मक्खियाँ होती हैं ये केवल रानी मक्खी का निषेचन करने के लिए होती हैं। सूर्य के प्रकाश में छत्ते के समीप उड़ने वाली मक्खियाँ जो होती हैं वो ड्रोन से ही होती हैं या नर मक्खियाँ ही होती हैं। तो अब अगला है श्रमिक मक्खियाँ या वर्कर्स कहा जाता है श्रमिक मक्खियों को। तो छत्ते में इनकी संख्या कई हज़ार होती है। जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं ये सबसे अधिक संख्या में होती हैं। आपको बता दें लगभग में 60,000 या इससे अधिक भी श्रमिक मक्खियाँ पाई जाती हैं। तो ये सबसे छोटी होती हैं, जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं, और इनके पंख व मुखांग बहुत मजबूत होते हैं। इनके जो पंख होते हैं, मुखांग होते हैं, वो अधिक मजबूत होते हैं। अधिक कार्य और व्यस्त जीवन के कारण, चूंकि ये श्रमिक मक्खियाँ हैं, सारा कार्य यही करती हैं, भोजन यही लाती हैं, शहद यही लाती हैं, मकरंद यही लाती हैं, तो अधिक कार्य और व्यस्त जीवन के कारण श्रमिक मक्खी का जीवन काल कुल 2 से 4 माह का ही होता है। यानी जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं कुल मिलाकर लगभग में 2 से 4 माह तक ही ये जीती हैं। और आयु के साथ साथ श्रमिक मक्खियों के कार्य भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बदलती जाती है वैसे वैसे इनके कार्य भी बदलते रहते हैं। तो कार्य के आधार पर आपको बता दें हम, जब ये शुरू में 3 दिन की होती हैं तो जन्म के समय तुरंत, यानी जब जन्म होता है उसके तुरंत बाद 3 दिन श्रमिक मक्खी छत्ते के वेस्मों के जो फर्श होते हैं वो दीवारों की सफाई करती है। जो छत्ते होते हैं उन वेस्मों के जो फर्श होते हैं उनकी सफाई करती है दीवारों की। इसीलिए इन्हें अपमार्जक मधुमक्खियाँ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सफाई करती हैं। अपमार्जक का मतलब सफाई करने वाला। फिर दूसरी धाय मक्खियाँ होती हैं। तो जो धाय मक्खियाँ होती हैं ये 4th दिन से सभी श्रमिक मक्खियाँ शिशु मक्खियों को पराग व शहद का भोजन कराती हैं। धाय मक्खियाँ, धाय जैसे पहले कहा जाता था जो पालती थी, तो वैसे ही 4th दिन से सभी श्रमिक मक्खियाँ पराग व शहद के रूप में भोजन कराती हैं। फिर अगला पंखा झपकाने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। तो पंखा झपकाने वाली जो मधुमक्खियाँ हैं ये अपने पंखों को तेजी से हिलाकर छत्ते को ठंडा रखती हैं। फिर भोजन की खोज करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये 15 दिन की आयु हो जाने के बाद श्रमिक मक्खियाँ नए भोजन स्रोत परागकण व मकरंद की खोज करने लगती हैं, और यही मक्खियाँ परागकण व मकरंद लाने के लिए प्रतिदिन 15 बार तथा जल लाने के लिए लगभग में 100 चक्कर लगाती हैं। यानी मकरंद लाने के लिए दिन में 15 बार लगभग में, और जल लाने के लिए प्रतिदिन 100 चक्कर लगाती हैं। फिर द्वारपाल जो मक्खियाँ होती हैं, द्वारपाल मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं ये छत्ते के द्वार पर रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। यानी छत्ते के द्वार पर रहती हैं और रक्षा करती हैं, इसलिए इनको द्वारपाल मक्खियाँ कहा जाता है, और छत्ते में आने वालों पर निगरानी रखती हैं। फिर सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये विदेशी मधुमक्खियों यानी जो बाहर से आने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वह अन्य शत्रुओं से अपने छत्ते के सदस्यों की रक्षा करती हैं। जो बाहर से आने वाली मधुमक्खियाँ हैं या अन्य शत्रुओं से अपने छत्ते की रक्षा करती हैं तथा बाहर से लाए गए पुष्पों के मकरंद का परीक्षण भी करती हैं। इसी प्रकार से ये मधुमक्खियाँ दूसरे छत्ते से आई रानी या श्रमिक मक्खी को अंदर नहीं जाने देती हैं, कि दूसरे छत्ते से आ गई हो कोई रानी तो अंदर आ जाए, तो उसको प्रवेश करने भी नहीं देती हैं, डंक मारकर उसकी हत्या कर देती हैं और घसीट कर बाहर भी कर देती हैं, जो सैनिक मधुमक्खियां होती हैं। फिर अंगरक्षक मधुमक्खियां, जो अंगरक्षक मधुमक्खियां हैं ये रानी मक्खी के इर्द गिर्द रहती हैं
ऐसी लगभग 50 मधुमक्खियाँ रानी मक्खी को घेरे रहती हैं, यानी जो अंगरक्षक मधुमक्खियाँ होती हैं लगभग में 50 होती हैं और रानी मक्खी के इर्द गिर्द ही रहती हैं, आसपास ही रहती हैं और रानी मक्खी को घेरे रहती हैं। ये रानी मक्खी को नहलाती हैं, कंघी करती हैं, मल मूत्र को हटाकर बाहर निकालती हैं और रानी मक्खी को शाही जेली भी खिलाती हैं, जैसे राजाओं के यहाँ रानियाँ रहती थी, बिल्कुल वैसे ही कार्य यहाँ पर भी होता है। चलिए, ये तो हुआ कुछ मधुमक्खी के बारे में। अब आपको बताते हैं मधुमक्खी का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द हनी बी। तो मधुमक्खी हमारे लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। कुछ महत्व हम आपको बताते हैं यहाँ पर। पहला है फूलों का परागण, यानी पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। मकरंद के लिए फूलों पर बैठकर उनका परागण करती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि फूलों में परागण नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा, तो फल और बीज का निर्माण नहीं होगा। यदि आप लोग पोलिनेशन या परागण का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है पोलिनेशन पर कई सारे वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो परागण नहीं होगा तो फल और बीज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है या पोलिनेशन होता है। फिर दूसरा है मधु, इनसे हमें मधु प्राप्त होता है या हनी प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों के छत्ते से हमें प्रतिवर्ष लाखों किलोग्राम मधु और मोम मिलता है। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से कितना मोम मिलता है और कितना शहद मिलता है। एक सामान्य आकार के छत्ते में, लगभग जो सामान्य आकार का छत्ता होता है उसमें 9,000 से भी अधिक कोष्ठक होते हैं, यानी सामान्य आकार के छत्ते में ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत ही छोटा हो, सामान्य आकार का छत्ता होगा तो उसमें लगभग में 9,000 से भी अधिक कोष्ठक होते हैं, जिसमें से 4 से 5 किलोग्राम तक शहद भरा रहता है। यानी सामान्य आकार का छत्ता है तो उसमें लगभग में 4 से 5 किलोग्राम शहद भरा होगा, अतः एक छत्ते से प्रतिवर्ष 150 किलोग्राम तक शहद उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार से आंकड़ों के अनुसार लगभग में हर वर्ष 150 किलोग्राम तक शहद उपलब्ध हो सकता है एक छत्ते से। शहद एक शक्तिवर्धक, टॉनिक तथा रोगाण रोधक पदार्थ होता है, यानी बहुत सारी बीमारियों में शहद टॉनिक का कार्य करता है और रोगाणुओं को मारता है, ख़त्म करता है, बीमारियों को दूर करता है। इसमें से औषधीय महत्व के 80 से भी अधिक पदार्थ होते हैं, यानी 80 से भी अधिक पदार्थ औषधीय महत्व वाले होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शर्कराएँ, डाइस्टेट, लाइपेज आदि एंजाइम, मौलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आदि कार्बनिक अम्ल तथा विटामिन आदि पाए जाते हैं। फोड़े, फुंसी, नासूर पर शहद को लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। काजल की भांति आंखों में लगाने से विशेष लाभ होता है। अनेक यूनानी एवं आयुर्वेदिक औषधियों का शहद के साथ सेवन किया जाता है। प्राचीन काल में ही शहद का लेप करके मृत मानव शरीर को परिरक्षित किया जाता था, यानी बहुत दिनों तक रखा जाता था उसको शहद का लेप करके। फिर तीसरा है मधुमक्खी का मोम, मोम का लाभ जान लेते हैं। मधुमक्खी का छत्ता सफ़ेद या हल्के पीले मोम का बना होता है और मोम का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों, मरहम एवं औषधीय तेल बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ मोम का प्रयोग मोमबत्ती बनाने में भी किया जाता है, जो दीपावली में हम लोग जलाते हैं। तो सबसे बड़ा तो आर्थिक महत्व तो यही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोम का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, मरहम बनाने में, औषधीय तेल बनाने में किया जाता है, मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, कांच पर लिखने वाली पेंसिल, संगमरमर के जोड़ने वाले सरेस, पेंट व जूतों की पॉलिश तथा मूर्तियां आदि बनाने में भी मोम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला मधुमक्खी का आर्थिक महत्व है मधुमक्खी का विष। तो यह एक उदग्र अम्ल होता है जिसमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं, यानी विष जो हमें नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर पर, जब काट लेती है मधुमक्खी तो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो उसके साथ साथ ये हमें लाभ भी पहुंचाता है। इसमें प्रतिजैविक गुण होते हैं, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकारों, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें उत्पन्न विकार जो रोग हो जाते हैं उसको ठीक करता है। नेत्र एवं चर्म रोगों में ठीक उपयोगी सिद्ध होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में भी अच्छा होता है। विषैले जंतुओं के दंश में, जो विषैले जंतु होते हैं काट लेते हैं तो उनके दंश में भी उपयोगी होता है। रक्त क्षीणता एवं गठिया रोग के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इतने सारे मधुमक्खी के विष के भी लाभ होते हैं। मधुमक्खी के शरीर से बनाई गई औषधि डिप्थीरिया रोग के उपचार में काम लाई जाती है। जो डिप्थीरिया रोग होता है तो इसके शरीर से बनाई गई औषधि डिप्थीरिया रोग के उपचार में काम में लाई जाती है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी के
के विष से भी बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं। तो मधुमक्खी का आर्थिक महत्व के अंतर्गत फूलों का परागण, मधु, मधुमक्खी का मोम और मधुमक्खी का विष। आशा है आप लोगों को मधुमक्खी का आर्थिक महत्व और मधुमक्खी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।